अरब और दुबई से जब मैं काम सीख के आया 24 साल से, मैं इधर शोरमा लगा रहा हूँ मुंब्रा के अंदर, और बम्बई में अलहमदुल्ला सब जगह पर पहला शोरमा लाने वाला आदमी हूँ। चार वो भी 50 के चार, चिकन चीज रोल है 60 रुपए के चार, ये 50। ये भी रहे लीवर टिक्का, बॉडी टिक्का, फुल तंदूरी है 350। 50 में 3 20 का है, क्या बात। पेरू है, पुदीना है, काला खट्टा है, जीरा मसाला है, सिर्फ 20 रुपए। फिरनी है, फूडिंग है 25। लबन है 50 रुपए। लस्सी, लस्सी, लस्सी है लगा लबन का, तो जो मक्का मदीना में मिलता हुआ। वेलकम बैक गाइस। ऑल राइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मैं आज जो कि इफ्तारी के हिसाब से मुमरा में आया हूँ, और मुमरा में आप लोगों से पहले ही वादा किया था, सबसे पहले जाके नान ले रहा हूँ। इस बेकरी में डिलक्स बेकरी है, और यहाँ से मैंने नान लिया हूँ 6 रुपए का एक। मैं आप लोगों को नान दिखाता हूँ, यहाँ पे आके आप लोग नान ले सकते हो। कितने रुपए का क्या है भाई बताएंगे अभी, एक बार पहले बेकरी देख लो, फिर उसके बाद मैं आप लोग को रेट बताता हूँ। और अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो विदाउट वेस्ट ऑफ द टाइम वी आर स्टार्टिंग वीडियो, सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो साकिब यहाँ नंबर लिखा है, अल्फतेह बिल्डिंग शॉप नंबर समथिंग है, डिलक्स बेकरी है, और आप लोग को यहाँ पे सब मतलब मिल जाएगा। नान के लिए अगर आना हो तो नान भी है, और ये सब भी मिल जाएगा। मैं आप लोग को पहले नान बताता हूँ भाई। ये नान का प्राइस क्या, ये बड़े वाले का 15 रुपए, बड़ा वाला 15 रुपए का है। हाँ, बड़ा वाला 15 रुपए का है। ले लब्बा बाबा बोल रहे थे, ये 3 रुपए है, 35 रुपए दर्जन। ये छोटा नान है, 6 रुपए का है, ये 15 रुपए का है। पिज्जा है, शोरमा रोटी है, बर्गर बंद है, और बहुत सारा आइटम है। ये तो हम लोग की स्टार्टिंग नान से हुई है, डिलक्स बेकरी है, ठीक है, यहाँ पे आ सकते हो। और नान वगैरह के प्राइस, शावरमा वगैरह के लिए रोटी, पिज्जा बन वगैरह आप लोग को ये सब भी मिल जाएगा यहाँ पे अवेलेबल, यहाँ से आके आप लोग ले सकते हो। अभी मैं आगे की जर्नी मेरी यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग देख सकते हैं कुछ 4:30 बजे का टाइम है गाइस, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी। और हम लोग ने जस्ट पूछा, दारुल फलाह मस्जिद के सामने बैठा हुआ, यहाँ पे कुछ इफ्तारी लगे। मुमरा में मोस्टली बहुत तरफ इफ्तारी लगती है, बट असर के बाद सब यहाँ पे, कैसे असर थोड़ी लेट है। और मैं अभी 4:30 बजे की मैं अपनी जाके नमाज पढ़ रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं यहाँ पे जो जो चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अभी हम लोग चलते अंदर। क्या क्या आपके भाई अभी बताएंगे, प्राइस भी बता दो क्या क्या है। कबाब है, चिकन का चिकन कटलेट है, चिकन वेस्टर्न कटलेट है, चिकन चीज रोल है, और चिकन स्टिक है, चिकन कांडी है। ये 13 रुपए की एक बेचते हैं, 50 रुपए की चार, वो भी 50 के 4। चिकन चीज रोल है 60 रुपए के चार, ये 50 के 5 है, 50 के 5 है, कबाब 20 के 5। कबाब कितने का ये? 20 रुपए का। तो ये दारुल फलाह के जस्ट सामने आप लोग को मिल जाएगा रिजनेबल रेट में सब। बाजू में शरबत भी, इसका भी हम लोग एक बार देख लेते रोल। भाई कौन से कौन से फ्लेवर है? पाइनएप्पल है, मैंगो है, ब्लूबेरी है, और अपना पेरू है, पुदीना है, काला खट्टा है, जीरा मसाला है। सिर्फ 20 रुपए, 20 रुपए का एक कर दो कोई अच्छा। तो मैं यहाँ से भी लेते लेते ही सब चल रहा हूँ, देखते क्या है। एक कोई अच्छा पाइनएप्पल कर दो, एक काम करो, एक पाइनएप्पल ले लेते यहाँ से। और ये भी दारुल फलाह के जो सामने ही आप लोग देख सकते हो, ये जस्ट मैंने ऐसे ले लिया। ये कुछ शायद से मोहब्बत का शरबत दिख रहा है भाई, मोहब्बत का शरबत बना रहे क्या? मोहब्बत का शरबत बना रहे क्या? जस्ट मैंने ऐसे ले लिया। ये कुछ शायद से मोहब्बत का शरबत दिख रहा है भाई, मोहब्बत का शरबत बना रहे क्या? मोहब्बत का शरबत बना रहे क्या? पे ये भाई मोहब्बत का शरबत बना रहे, एक बार मैं देख लेता हूँ इसको भी। ये भी जस्ट दारुल फलाह के सामने ही सब है, देख लेते हम लोग इसको देख। पर कितने रुपए का ग्लास रहेगा ये? दोनों एक ही बना रहे हो क्या? अलग अलग है, अलग अलग है भाई। अच्छा, कलिंगड़ एप्पल देख लेते एक बार, इसका प्रोसेस बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें चाशनी डाल रहे, मेरे को एक्चुअली लगा था शायद हनी है,
और बहुत ही सफाई से बना है। भाई तो मैं देख रहा हूँ गोकुल दूध यूज कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है वो भी, और 20 रुपए के ग्लास के हिसाब से गोकुल दूध के साथ आपको मिल रहा है तो क्या ही बोलूं। यहाँ पे खजूर भी है, आप लोग देख सकते हैं डेट्स हर तरीके के। इसमें कुछ डाले क्या भाई तुम? ये क्या डाल रहे हो? एप्पल मावा मिल्क। तो देखो एप्पल मावा मिल्क डाल के इसका एक्चुअली जो है वाटरमेलन डाल के इसमें भी कुछ डाले क्या इसमें? एप्पल मावा मिल्क डाल दो भाई जरा। इनकी यहाँ पे गुटकी दुकान है, डेली नाइट में लगता है। शहजाद भाई जी, भाई भाई अब सारी बात भी अपनी दुकान रहती है बड़े भाई, तब तक लॉन्ग टाइम लगता है अपना, 4 बजे तक गाड़ी रहती है अपनी, तक चालू रहता है ना भाई। एप्पल मावा क्या बोला? एप्पल मिल्क, मावा मिल्क है भाई। खानदानी बिजनेस ये कलर एप्पल कलर जाएगा भाई। अच्छा एप्पल कलर देखो, ये ग्रीन ग्रीन फ्लेवर। हाँ ये क्या, माशाल्लाह। तो ना इन्होंने इसमें कुछ शरबत डाला ना कुछ? अच्छा अच्छा देख सकते हो आप लोग, 20 रुपए ना दोनों का जो भी लेंगे, 50 में 3 20 का है, क्या बात है। पीछे भी आपका ही कुछ है क्या? वो क्या यही आपका है क्या? पीछे भी तुम्हारा ही है, पीछे भी है क्या? पीछे क्या है देखो जरा। तो ये शहजाद भाई बता रहे थे क्या पीछे इनका कुछ है, तो शायद से चना, ये क्या कैसा है? 30 का है 50 का है? नहीं नहीं ये रगड़ा और चना है जी, इसका 50 का है। ठीक है, यहाँ पे दही वड़े भी मेरे को दिख रहे हैं भाई। दही वड़ा कैसा पीस है? कैसा? 50 का प्लेट, मतलब कितने आएंगे उसमें? 2 पीस आएंगे। ठीक है, तो 50 रुपए का दही वड़ा। ये सब जो है ना मतलब दारुल फला के इसमें ही है पीछे, और क्या है हलवा पराठा है, और ये क्या है खट्टे आलू है, ये क्या चीज है? चाट है ना? कितने का ये चाट का क्या है? 30 रुपए 50 रुपए। और ये खट्टे आलू कैसा? 30 रुपए 50 रुपए। ठीक है, तो ये रगड़ा रगड़ा का क्या है? 30 मतलब जो भी लेंगे 30 और 50 का। ठीक है, इसका नाम पहले से ही फेमस रगड़ा सेंटर है, माशाल्लाह देख रहे आप लोग पूरा। हम लोग जो दारुल फलाई अभी तक कवर कर रहे, मेरे को लग नहीं रहा मैं आगे कुछ कवर कर पाऊँ। और ये क्या है, अक्सा समथिंग कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे मालपुआ बनाया जा रहा है 300। क्या प्राइस का है भाई ये? 180 सिंगल या डबल? अच्छा ओके लिखा हुआ डबल का मिल्क मिल्क मैट मैंगो के। भाई ये कस्टर्ड कौन से है? भाई 25 का। ये कैरेमल 80 है। ये 30 का वाइट 30 है, मैंगो 40 है। क्या है क्या? फिरनी है। और ये क्या है? पुडिंग है 25। पुडिंग 25। और ये क्या है? लबन है 50 रुपए। अच्छा लस्सी 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 है। लगा लबन का तो जो मक्का मदीना में मिलते हुए लबन मस्ती है, ये वही फिरनी है ना। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सा और कुछ है देख लो आप लोग, मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे आके। रोल वगैरह मैदा रोटी कीमा ये सब भी आपको मिलेगा, फिर पाइन एप्पल का शरबत है भाई। वो वाला कौन सा शरबत है? कितने का है वो? ठीक है, तो पाइन एप्पल और खरबूजे का शरबत 30 रुपए का है, और ये सब तवा आइटम ही है। ये हलवा पराठा यहाँ पर फालूदे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और सेम फालूदे का है एंड समोसा है।
आगे बहुत कुछ खास है, देखो खजूर वगैरह है, काड़ी सीख है, फ्रूट्स बाकायदा काटे जा रहे हैं, ये कुछ अलग दिख रहा है। ये कौन सा बिरयानी है भाई? कौन सा बिरयानी है? आप 60 रुपये फुल, 110 रुपये है। तो ये भी मतलब अभी चालू रहेगा या फिर इफ्तारी के बाद भी चालू रहेगा? तो चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर अक्सर ऐसा होता है कि इफ्तारी आप लोग घर वालों के साथ करते हो तो इफ्तारी के बाद भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। सहरी तक मतलब ये चालू है, 60 रुपए का हाफ बोले ना, और 90 रुपए का फुल मटन है ऊपर से, ठीक है? तो मटन पुलाव के अगर दीवाने हो तो यहाँ पे आ जाना। काई कबीला लिखा है जस्ट उसके सैयदी दरबार ओके दरबार कैटरर्स की तरफ से, ठीक है? और ये हलीम का थोड़ा दिखा दो ना भाई, थोड़ा सा कितने का रहेगा ये? 50 रुपए प्लेट रहता है, एक सेकंड ना खाली देख, थोड़ा सा इसे उठाओ, एक नंबर माशाल्लाह। ये भी रहेगा ना, मतलब चालू रहता है ना? अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ पे खजूर डेट्स है बुरहानपुर, यहाँ पर जो है दही वड़े, दही वड़े कैसे प्लेट है यहाँ पे? कितने प्लेट में आते हैं? एक प्लेट में दो माशाल्लाह। मावा जलेबी 80 रुपए पाव है और गुलाब जामुन 20 रुपए प्लेट है। बुरहानपुर अस्सलाम वालेकुम। है ना, चिक खिचड़ा है, मटन पुलाव है, मटन एनिमी पुलाव है, मटन खिचड़ा है। ये कैफे रहमत है 20 साल, यस संजय कैफे रहमत, ऑल आइटम चिकन मटन तंदूरी टिक्का लेवर टिक्का बोडी टिक्का फुल तंदूरी है 350 है, लेग पीस 120 है, यस थ्री टिक्का 100 रुपीज प्लेट है, 1 प्लेट 4 स्टिक। तो ये सहरी तक चालू है? यस यस इधर सहरी तक के चालू है। आइए चिकन रोल है, शाही रोल है, चिकन पॉकेट है, चिकन नरगिस है, चिकन रशियन है, ये सब 20 रुपीज। यस यस संजर वाला 20 ईयर्स हो गया 20 साल, यस ये कैफे रहमत है, ओके ओके यस यस ये कैफे रहमत है 20 साल से मुमरा वाले की सेवा में, 20 साल से हम लोग खिदमत कर रहे हैं मुमरा वाले की, ऑल आइटम है चिकन मटन में, आप लोग आइए वेलकम। ये मुमरा की सबसे मशहूर दुकान है सीख पराठे तंदूरी की, ये मुमरा की सबसे मशहूर दुकान है कैफे रहमत फास्ट फूड 20 साल से फूड, पुरानी दुकान है ये। बस मैंने कैफे रहमत क्लियर मतलब एकदम चचा ने बहुत मदद की, जजाक अल्लाह। यहाँ पे आ जाना, बहुत मजा आ जाएगा, एक से एक आइटम आप लोग को यहाँ पे खाने के लिए मिल जाएगा। और अभी तक जो है मैं मुमरा में जो है ना एक दारुल फला एरिया वहाँ पे भटक रहा हूँ, अभी यहाँ पे दुबई स्पेशल शॉर्मा और कुछ कवा आइटम और ये भी कुछ मैं कवर करते करते। दुबई शॉर्मा दुबई स्पेशल इकबाल भाई सबसे पुराने इकबाल भाई, इसका पाव के अंदर 40 रुपए का है और कुबूस के अंदर 60 रुपए का है। ये भाई दुबई का सबसे, दुबई से जब सऊदी अरब और दुबई से जब मैं काम सीख के आज 24 साल से मैं इधर शोरमा लगा रहा हूँ उमरा के अंदर, और बम्बई में अलहमदुल्ला सब जगह पर पहला शोरमा लाने वाला आदमी हूँ मैं। हाँ आप खाएंगे इंशाल्लाह, याद करेंगे भाई अपना ओरिजिनल चीज, ओरिजिनल दुबई शोरमा आपको मिलेगा। बाद कभी भी आओ, ये सुबह के 4 बजे चालू रहता भाई, 4 बजे में कभी भी आओ आपको इंशाल्लाह मिलेगा, एकदम बढ़िया शोरमा बनाते हैं, खाओ ओरिजिनल शोरमा दुबई स्पेशल, ठीक है भाई जान बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। होटल के पास अभी है, ये फिरनी है, वीडियो बनाने का 50 रुपए बोल रही है, तो अभी हम लोग को लगता है ऐसे भागना पड़ेगा। सागर के जस्ट सामने ये है भाई, ये क्या चीज है? पफ क्या ये? चिकन पफ कितने का ये? 25 का। और ये क्या है? अच्छा यहाँ पे अलग अलग डिशेस आप लोग को देखने लेंगे, ढोकला है, नान है, कैरेमल कस्टर्ड है, ये क्या चीज है? और पफ है, वही सब आगे सेम आइटम रखा हुआ है।
यहाँ पर तो माशाल्लाह चिकन का ही सब आइटम दिख रहा है भाई। ये क्या क्या इसका थोड़ा प्राइस बोल दो, ऐसी बोल दो इसका थोड़ा ये बता दो। ये चिकन ड्रीम स्टिक है, चिकन समोसा है, मटन समोसा है, मटन कबाब है बकरे का, पंजाबी समोसा है। हाँ इसका 45 सेम भाव है, दोनों सेम है। हाँ चिकन कटलेस है, वेस्टर्न कबाब है, शामी कबाब है, चिकन स्प्रिंग रोल है, चिकन कांडी है, चिकन शिमला कांडी है, फिर मीठे में आएगा पुडिंग है, कस्टर्ड है, फालूदा रबड़ी है, मलाई रबड़ी है। ये चिकन पेटीज है अपना, चिकन पेटीज 25 रुपए का, चिकन रोल है, हॉट डॉग, हॉट डॉग है, फिर ये आएगा पिज्जा आएगा, भजिया है स्पेशल भजिया अपना, नान है। चीज अगर आप लोगों को खाना है तो आप लोग को आना है सागर स्वीट बेकरी के जस्ट फ्रंट में, आप लोगों को ये मिल जाएगा। और यहाँ पे अभी मेरे को लग रहा है खत्म हो गया है, फिलहाल यहाँ से अलविदा लेना पड़ेगा, आगे और बहुत चीजें। तो गाइस अभी जो मैं दारुल फला कवर कर चुका हूँ, अभी जस्ट कौसा के पास जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छी मेरे को लग रहा है इफ्तारी का इंतजाम रहता है। वहाँ पे भी अगर नहीं हुआ तो मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को आज इफ्तारी घर पे करना है और मैं लेट नहीं हो सकता हूँ। तो जो कुछ होगा अभी फटाफट फटाफट कवर कर लूंगा, फिर यहाँ से बढ़ना पड़ेगा। तो कौसा का आप लोग एक बार एक झलक देख सकते हो यहाँ से। फिलहाल तो मेरे को दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग जाएंगे आगे। और यहाँ का आप लोग देख सकते हो अलजुआ, मुमरा का सबसे फेमस। यहाँ पे आऊंगे तो एक चीज जरूर खाना, दूधी का हलवा। आई है तो माशाल्लाह पहले तो यहाँ की मस्जिद देख लो एक बार, उसके बाद सबसे पहले जो दिखाना चाहता वो है मुमरा की ट्रैफिक देख लो एक बार। हमेशा आऊंगे तो यहाँ पे फंसोगे ही। मस्जिद माशाल्लाह ये भी देख लो एक बार, मैंने यहाँ पे बहुत बार नमाज पढ़ चुका हूँ, मैं मुमरा में भी रह चुका हूँ एक्चुअली, इसलिए ये सब चीजें मेरे को अच्छे से याद है। इसको शिमला पार्क के नाम से जाना चाहता है ये एरिया को। देखो गाइस यहाँ पे देख लो थोड़ा फ्रूट्स का कुछ इंतजाम है, बट मेरे को लगता है तो साल भर में रहता ही रहेगा, इफ्तारी से रिलेटेड ऐसा कुछ समझ नहीं रहा है यहाँ पे, फ्रूट्स ही दिख रहे हैं हर जगह पे। मुमरा एमएम वैली नाइस वर्ल्ड, और भी माशाल्लाह बहुत तब्दील होने वाला है। यहाँ से अभी अलविदा है हम लोग का, एमएम वैली कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं। सो आप लोगों को खाली एक चीज बताना चाह रहा हूँ मैं, अभी जो मैं जो वे पे हूँ ना, थोड़ा आगे अभी मैं जाऊँगा तो इधर से अभी शिल फाटा के लिए रास्ता स्टार्ट होता है, दोस्ती बिल्डिंग, खर्टी गाँव, ये सब भोलेनाथ नगर और एक समथिंग कोई है आगे, तो उसके आगे से अभी तो मैं जा नहीं रहा हूँ। अभी हम लोग बाईपास मार के सीधा घर पे आ रहे हैं, क्योंकि ना मेरे को फिर इफ्तारी के लिए लेट हो जाता है, और घर पर भी मेरे को बोले क्या, एक्चुअली मेरे घर पे आज छठा रोजा है तो फर्स्ट इफ्तार है ना, इसके लिए मैं ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ। जो भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने भी करा जजाक अल्लाह, और वीडियो का भी फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ, मिलते हैं कोई नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तब तक पहले अल्लाह हाफिज़, दुआ में आ रहा हूँ।